तो साथियों, टेलीग्राम चैनल में हमारे एक साथी ने सवाल पूछा है कि सोना कॉम गिर क्यों रहा है। उनका यहाँ पे तर्क देना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन सोना कॉम क्यों नीचे जा रहा है। ये क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाता अगर इसमें एक और लाइन ऐड हो जाती कि सोना कॉम में आज हमें एक पॉजिटिव सी न्यूज़ देखने को मिली है, स्टिल सोना कॉम में गिरावट क्यों हुई है। ऑल दो स्क्रीन में आप कुछ और लाइन देख पा रहे होंगे। सिरमा का ग्रे मार्केट प्रीमियम 37 ये दोपहर का है। डे एंड का अगर मैं अपडेटेड आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊं तो वो 41 चल रहा है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। बात करें इंडेक्स की तो निफ्टी 50 में ज़बरदस्त हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। ऑल टाइम हमें ये जो है तो अपने हाईज पर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज वो 13वां दिन है कंटिन्यूसली जहां पे FIIs ने आज की डेट में बाइंग की है। तो दोस्तों, ट्रेंड यहां पर चेंज हो चुका है। जहां मार्केट का मूड अच्छा है वहां सोना कॉम में गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8% तक डाउन था, बाद में हमें कुछ बाइंग भी देखने को मिली है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीनों में इतनी बड़ी कैंडल आपने वॉल्यूम की नहीं देखी होगी जितनी अभी देखने को मिली। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी बड़ी मछली ने बहुत बड़ा माल यहाँ पे बेचा है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ की। तो सोना कॉम यहाँ पे जो इसराइल बेस्ड ड्राइव TLV है, एक स्टार्टअप है, तो उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करने जा रहा है और सोना कॉम इनको अपना एक R&D सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये न्यूज़ आने के बाद यहाँ पे दोनों ही कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी अगर आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये, क्योंकि इससे सोना कॉम को एक स्मार्ट मोबिलिटी इकोसिस्टम में एक्सेस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनकी जो एंट्री है एक तरीके से इस कंपनी के थ्रू इसराइल में भी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं ड्राइव TLV के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि सोना कॉम एक पहली इंडियन कंपनी होगी जिसके R&D का सपोर्ट यहाँ पे इनको मिलने वाला है। लेकिन उस न्यूज़ के बावजूद हमें मार्केट में जो है तो सोना कॉम अंडर प्रेशर देखने को मिला है। एक हैवी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में जहाँ फोमो में बाइंग का दौर चल रहा है, अब तो पैनिक सेलिंग का वो दौर नहीं रहा जो बियर मार्केट में देखने को मिला। स्टिल सोना कॉम में हमें वो फोमो बाइंग नहीं देखने को मिली बल्कि पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। और जब बाद में मैंने और रिसर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक न्यूज़ ये देखने को मिली कि ब्लैक स्टोन टू लाइकली सेल सोना BLW शेयर्स वर्थ ₹4,000 करोड़ इन अ ब्लॉक डील टुमारो। तो दोस्तों, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से सोना कॉम में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ब्लैकस्टोन यहाँ पे डायरेक्टली अपने शेयर्स को ऑफलोड नहीं करने वाला है। उसकी एक फर्म है सिंगापुर 7 टॉप को, जिसके माध्यम से वो सोना BLW में अपनी होल्डिंग्स को रखा हुआ है। यहाँ पे इसका IPO आने के पहले इनकी जो होल्डिंग थी ये प्रमोटर ग्रुप में आते हैं, 66% की इनकी होल्डिंग थी। और IPO के बाद इन्होंने लगभग हाफ जो शेयर्स हैं वो FS में डाल दिए थे और उसके बाद अभी जो इनकी होल्डिंग बची हुई है वो 34.8% की है। अगर आप यहाँ पे सोना BLW की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो इनका नाम यहाँ पे आपको टॉप में देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनके पास 34.18% की है। और कल इस ब्लॉक डील में आधे शेयर बेच दिए जाएंगे, यानी 13.6% यहाँ पे शेयर्स बेचे जाएंगे। 7.94 करोड़ शेयर्स होंगे जिनकी जो प्राइस बैंड यहाँ पे डिसाइड की गई है वो ₹500 पर शेयर है। यानी कि वेनेसडे की क्लोजिंग से अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है तो 5% के लोअर प्राइस पर ये जो ब्लॉक डील है ये डिसाइड हुई है। नोमोरा जो है तो इस ब्लॉक डील का ब्रोकर रहेगा। अब देखिए, कंपनी के बारे में एक छोटा सा मैं रिव्यू दे दूं। कंपनी का जो पी चल रहा है फिलहाल 92 का चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री के पी की बात करें तो वो लगभग 17.5 के आसपास यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन अभी भी सोना BLW का काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, रिसेंटली कंपनी ने डेट को जो है काफ़ी कम किया है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डेट फ्री आपको देखने को मिलेगी। पी की अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब ये स्टॉक का पी 200 तक भी चला गया था। आप देख सकते हैं जिस तरीके की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली। कंपनी पहले यहाँ पे 20 के पी पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से EPS में ग्रोथ देखने को मिली तो शानदार यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वापस हमें EPS में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी और कंपनी का यहाँ पे जो पी है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो यही मैं देखिए बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो अर्निंग विजिबिलिटी होती है मार्केट उसी को वैल्यू करता है। और आप कहेंगे कि यहाँ पे ब्लॉक डील तो कल की होने वाली है तो स्टॉक में गिरावट आज क्यों हो रही है। तो देखिए, ये चीज़ आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि मार्केट जो होता है वो चीज़ों को पहले ही डिस्काउंट कर देता है। न्यूज़ आज मार्केट में फ्लोट हुई है, लेकिन काफ़ी सारे इनसाइडर जो न्यूज़ होती हैं वो बड़े लोगों तक पहले ही पहुँच जाती हैं।
और मुझे लगता है यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज यहाँ पे हमें ब्लॉक डील से पहले ही एक सेलिंग देखने को मिली है। कल तो और इसमें हो सकता है गिरावट आपको देखने को मिलेगी ही, लेकिन जिन लोगों को, बड़े लोगों को पहले से पता था कि एक ब्लॉक डील होने वाली है, यहाँ पे प्रमोटर्स के जो हैं तो ब्लैकस्टोन जो कि एक बहुत बड़ा रिपीटेड नाम है वो अपने हाफ ऑफ द होल्डिंग्स यहाँ पे हटाने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और देखिए यही मार्केट है, मार्केट क्या है कि टाइम से पहले ही चीज़ों को टाइम कर लेता है। बात करें इंटरेस्ट रेट की, आप देखिए रेपो रेट जो है आरबीआई हाइक कर रहा है, फेड रेपो रेट हाइक कर रहे हैं, मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मार्केट इस चीज़ को पहले ही टाइम कर चुका था। बात करें हम अप्रैल की, बात करें हम मार्च की, तो मार्केट पहले ही ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेपो रेट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने वाले हैं, तो उस वहीं पे उसने मार्केट ने जो है तो उसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया था। और आप देखेंगे मार्च अप्रैल लगातार स्टॉक पूरे इंडस्ट्री में, पूरे मार्केट में हमें पूरे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, और अब जब रेट इंक्रीज होने लग गए तो मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल गई, क्योंकि मार्केट अब फ्यूचर को टाइम कर रहा है। आपने देखा होगा इन्फ्लेशन के नंबर अब कूल ऑफ हो रहे हैं, यूएस में भी इन्फ्लेशन के नंबर कूल ऑफ हुए हैं, इंडिया में भी कूल ऑफ हुए हैं, तो मार्केट इस चीज को पहले ही टाइम कर गया है एक महीना पहले। और यही रीजन है कि इंडेक्स में आज हमें 18% का अपसाइड देखने को मिला है, अगर हम बात करें जो लो लगा था 15,100 का। तो आप ये मत सोचिए कि आज न्यूज मिल रही है तो इसका इंपैक्ट हमें आज देखने को मिलेगा, ये बहुत रेयर होता है। ऐसी कंपनियां जिनका कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं HDFC हो गया, उसकी जो न्यूज थी वो किसी को भी नहीं पता थी, किसी को भी नहीं पता थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो न्यूज डाली तब जाकर के सबको वो न्यूज समझ में आई, वो न्यूज पता चली, और उस दिन HDFC ट्विंस ने गजब की तेजी, 14% की तेजी दिखाई थी, आपको अगर याद होगा जब मर्जर की वहां पे न्यूज आई थी। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई भी न्यूज मार्केट में फ्लोट हो और उसका इंपैक्ट आपको तुरंत देखने को मिले। यूजली इनसाइडर न्यूज काफी ज्यादा होती है और लोगों को पता चल जाती है, स्पेशली हम बात करें बड़े लोगों की। अगर कंपनी के आप क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पी 200 पर क्यों ट्रेड कर रहा था। आप देखेंगे सेल्स 72 से महज एक दो क्वार्टर में ही 500 के आसपास सेल्स पहुंच गई, यानी लगभग मोर देन 5 times यहां पे सेल्स हो गई थी। कंपनी की अगर प्रॉफिट देखेंगे, लॉस से सीधे 74 करोड़ के प्रॉफिट, 78 करोड़, इनफैक्ट मार्च की हम बात करें तो 124 करोड़ तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। तो अर्निंग विजिबिलिटी ग्रोथ यहां पे बहुत फास्ट था, इनफैक्ट अगर हम CAGR के हिसाब से बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50% CAGR ओवर लास्ट 5 years। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIIs ने यहां पे अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, ऑल दो पिछले दो क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहां फ्लैट सी हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। DIIs की बात करें तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को लगभग कांस्टेंट रखा है, पब्लिक की होल्डिंग यहां थोड़ी बहुत बढ़ी है लेकिन पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा यहां पे माल नहीं है। चार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो इसका एक रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर आकर के एक सपोर्ट बन सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे जब मार्केट में एक हैवी करेक्शन था तो इसने अपना सपोर्ट लगभग 520 के आसपास इसने लिया था, तो डेफिनेटली भले वो 500 के प्राइस पर एक ब्लॉक डील होने जा रही है लेकिन आप सपोज उम्मीद मत करिए कि आपको 500 के लेवल शायद देखने को मिले, हो सकता है देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक ले रखे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन लेवल्स पर एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी स्टॉक को फर्दर ट्रैक कीजिए, अगर और गिरावट होती है तो अगला सपोर्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे 450 के पास आएगा, अगर ये 500 का सपोर्ट ब्रेक होता है, 520 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद 450 का एक सपोर्ट होगा और एंड देन उसके बाद आपको ये 400 के सपोर्ट लेवल देखने को मिलेंगे, तो आप इन लेवल्स पर चाहें तो अपनी एवरेजिंग या SIP कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए डेफिनेटली ये लेवल्स काफ़ी बेहतरीन हैं ऐसी कंपनी में। ऑटो एंसिलरीज में अगर आपको फेथ है, इस बिजनेस पर फेथ है कि यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली इन लेवल्स पर आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कंटेंट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।